नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 27 अगस्त 2022 सेंचुरी अमावस्या। दोस्तों कोई मांगते मांगते थक जाए, परंतु यह एक चीज किसी को भूल से भी मत देना जी दोस्तों, वरना जीवन काल में आपको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है जी दोस्तों। दोस्तों इस बात की सेंचुरी अमावस्या सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं कि दोस्तों इसमें 14 साल के बाद दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है, जो कि दोस्तों पहले 30 अगस्त 2008 में हुआ था। और दोस्तों ऐसा योग का निर्माण आने वाले 2 सालों के बाद 2025 में होने वाले हैं जी दोस्तों। और इसीलिए इतने महत्वपूर्ण मौके जब आप सभी के लिए सालों के बाद आए हैं, तो दोस्तों ऐसे में आप भी अपने जीवन काल में कोई भी गलती ना करें और दोस्तों हर चीज़ों को लेकर सावधान रहें। दोस्तों ऐसे में तो सेंचुरी अमावस्या पूजा पाठ दान अर्पण का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि यश में किया गया दान व्यक्ति को 7 जन्मों का भी फल देता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इनमें किया गया कोई भी पुण्य उनके आने वाले जन्मों तक भी उनका साथ देता है जी दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे भी विशेष कार्य होते हैं जिन्हें व्यक्ति को भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी जिद क्यों ना करे जी दोस्तों। आप सभी को बता दें कि इस बार की जो सेंचुरी अमावस्या है, ग्रहों की भी बहुत ही अनोखे परिवर्तन इनमें होने वाले हैं, जो कि दोस्तों सभी राशियों पर बहुत ही गहरा प्रभाव देगा। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके राशि के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर आपकी राशि पर कल के दिन कौन कौन से बड़े महत्वपूर्ण प्रभाव होने वाले हैं, आपका लव लाइफ में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, कौन कौन से लाभ के नए मौके मिलेंगे, कौन कौन से संकेत भगवान शनिदेव आपको देने वाले हैं, सभी जानकारियां पूरे विस्तार तरीके से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही भी मिस ना करें और इन्हें शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों इस बार की शनि अमावस्या में शिव योग और पदन योग का शुभ निर्माण हो रहा है, जो कि दोस्तों भादों में आने वाली साल की सबसे अंतिम शनि अमावस्या होगी जी हाँ दोस्तों। आप सभी को बता दें कि शनि अमावस्या पर अष्टन आदि से निर्मित होकर शनि मंदिर में शनिदेव की उपासना करना चाहिए, उन्हें सरसों का तेल, काले तिल, मिष्ठान अर्पित करें, शनि चालीसा का भी पाठ करें। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और साथ ही शनिदेव की कृपा भी मिलती है। आप सभी को बता दें कि अमावस्या तिथि पितरों को अर्पित होता है। शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या पर शनिदेव की पूजा और पितृदेव की निमित्त तर्पण पिंडदान करने से धन में वृद्धि होती है, सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार सेंचुरी अमावस्या के दिन स्नान दान करने से अति फलदायी साबित होता है, जीवन काल के सारे बाधाएं खत्म हो जाते हैं। शनि का नाम सुनते ही कुछ लोगों के मन में शून्य पड़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तव में यह बात सत्य है कि शनिदेव शत्रु ग्रह में आते हैं। लेकिन आप शिव बता दें कि अन्याय के देवता हैं, हमेशा व्यक्ति के कर्म को देखकर उनके फल देते हैं, किसी के साथ यह अन्याय नहीं होने देता जी दोस्तों। और जो निश्चल व्यक्ति होता है सच्चे भाव से शनि को अपने आप को अर्पण कर देता है, दोस्तों शनिदेव उनका कभी बाल भी बांका नहीं होने देता जी दोस्तों, और हमेशा शनिदेव उनकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों यश में शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको कौन से उपायों को करना चाहिए। दोस्तों शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको अपने जीवन काल में जितना हो सके गरीब असहाय लोगों को इस सेंचुरी अमावस्या के दिन जितना आप सामर्थ्य है उतना दान अर्पण जरूर करें। साथ ही आप शिव को बता दें कि यश में माता पिता की सेवा करें, अपने से बड़ों का कभी अनादर ना करें जी दोस्तों। यश में आप नैतिक कार्यों में अपना मन को लगाए इसे शनिदेव की कृपा पड़ती है और इसे शनि दोष भी समाप्त होते हैं। तो दोस्तों आप सबको बता दें कि यश में आप इन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों अगर आप यश में अपने जुनकाल में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं, आर्थिक तंगियां आपके जुनकाल में लगातार चल रही है, शादी दुश्मन भी आपको अगर परेशान कर रहे हैं, तो यश में आपके लिए बहुत ही खास मौका है। यश में आप आटे की गुलिया बनाकर उसमें थोड़ा सा मिश्री मिलाकर नदियों में या फिर तालाबों में प्रवाहित कर दें दोस्तों, इसे शनिदेव की असीम कृपा आपके जुनकाल पर बरसेंगी, साथ ही शनिदोष और साढ़ी साथी से भी आपको राहत मिलेगी। इसके साथ दोस्तों आप शुभ बता दें कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो नहीं चाहता कि हमारे जुनकाल में धन ना हो, धन दौलत हमारे पास ना हो। दोस्तों इस धरती पर हर लोग का चाह होता है कि हमारे पास पर्याप्त धन हो,
इतना सारा धन होता कि हम अपने जीवनकाल की सारी इच्छाओं को पूरी कर सके। जो हमारे मन के सपने हैं, जो हमारे परिवारों के सपने हैं, उन्हें हम अब सच कर सकें। तो दोस्तों, ऐसे में आपको यश में एक खास उपाय को करना है। जे दोस्तों, धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यश में आपको एक बहुत ही सरल सा उपाय करना है। जे दोस्तों, आपको एक झाड़ू ले लेना है। दोस्तों, नया झाड़ू लेना है। पुराना भी झाड़ू हो तो चल जाएगा, लेकिन वह अच्छी स्थिति में होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों, लेकिन हम सलाह देंगे कि नया झाड़ू ही होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। आप शिव को बताते कि नया झाड़ू लेकर आप अपने घर के ईशान कोण को, उत्तरी पूर्वी जो कोण है, उस कोण को साफ कर दें। उसमें एक लाल वस्त्र रखकर उसमें इस झाड़ू को रख दीजिएगा। झाड़ू के ऊपरी हिस्से में जिसे हम पकड़ते हैं, वहाँ पर मौली बांधे और उस लाल वस्त्र पर इसे रखकर अक्षत, सिंदूर और शादी दोनों हाथ जोड़कर वहाँ पर बैठकर माता लक्ष्मी को नमस्कार कीजिए। माता लक्ष्मी को आप आवाहन कीजिए, माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाइए और शादी जनकाल में जो भी परेशानियाँ हैं वश में आप माता लक्ष्मी को सुनाएं। शादी वश में आप नमस्कार करके वहाँ से उठ जाएं। और दोस्तों, अगली सुबह जब उठें तो फिर नमस्कार करके झाड़ू को उठाकर सबसे पहले आपको रसोई घर को साफ करना है। जी हाँ दोस्तों, रसोई घर को साफ करने के बाद आपको घर के चारों ओर साफ सफाई करना है और माता लक्ष्मी का गायत्री मंत्र का आपको वश में जाप करना है और फिर कोई दूसरा कार्य करना है। लेकिन यश में इस बात का ध्यान रखें कि आपके पड़ोसी हो, अगल बगल के हो, चाहे आपके रिश्तेदारों में कोई भी हो, यश में उस झाड़ू का दान आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि यही एक चीज़ है जिनका आपको भूल से भी दान नहीं करना है, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। इस झाड़ू को आप ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर लोगों की नज़रें ना जाए। आप इन्हें दरवाजे के पीछे भी रख सकते हैं। साथ ही झाड़ू को हमेशा खड़ा ही रखें। जे दोस्तों, जैसे आप पेशे को संभाल कर रखते हैं, उसी तरह झाड़ू को भी आप संभाल कर रखें। झाड़ू माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तो यश में इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो आए दोस्तों, बेशे के साथ बात करते हैं कि संचरी अमावस्या के दिन ग्रहों की भी बहुत ही प्रबल स्थिति बन रहे हैं। शिव नाम का शुभ योग और साथ ही अश्मे पद नाम का शुभ योग, शिव नाम का शुभ योग और पद नाम का शुभ योग अश्मे बन रहे हैं। साथ ही चंद्रमा की स्थिति भी आपके लिए लाभ भाव को दर्शा रही है। तो दोस्तों, ऐसे में यश में भगवान शनिदेव का आशीर्वाद और ग्रहों की ये जो स्थिति है, आपके जीवनकाल में कौन कौन से बड़े बदलाव करेंगे, कौन कौन से बड़ी खुशखबरी आपको देने वाले साबित होंगे, तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, आप शिव को बताते कि यश में ग्रहों की बहुत ही उत्तम स्थिति बनी हुई है। दिन की शुरुआत में ही अपने कार्यों की रूपरेखा बना लें। प्रॉपर्टी की खरीद प्रोग संबंधी कार्यों को तुरंत क्रियान्वित करने का उचित समय रहेगा। जी दोस्तों, क्योंकि यश में शनिदेव का प्रकोप आपके जीवन काल पर नहीं होंगे, यश में भगवान शनिदेव का जो दिन होगा आपके लिए लाभकारी मौके देने वाले हैं। जी दोस्तों, समय शांतिपूर्ण व्यतीत होगा। साथ घर की साज सज्जा और रखरखाव संबंधी गतिविधियों में भी दिन का जो अधिकतर समय व्यतीत होगा, अपने आत्मविश्वास तथा योग्यता द्वारा अन्य कार्यों को भी आप निपटा लेंगे जिनमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, जिन कार्यों को लेकर आप पिछले समय बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। दोस्तों, उन कार्यों में भी यश में आपको लाभ मिलने वाला है। यश में आपका सोच समझकर निर्णय लेना और कोशिश करके ज़्यादा काम खुद ही निपटा लेना आपको सफल बनाएगा। समाज में भी इनसे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों, जो लोग आपको नीचा दिखाते थे, यश में आपके लिए वह तालियां भी बजाने वाले हैं, क्योंकि भाग्य आपके पक्ष में है। ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल है, जिनसे लाभ के आपके नए मुख खुलेंगे और साथ ही भगवान शनिदेव की भी कृपा यश में आपके जीवनकाल पर रहने से नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवनकाल से खत्म होने वाले हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं आपको यश में घेरने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों में भी यश में मधुरता रहेगी। नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिल सकता है। जिनको नौकरी नहीं भी है यश में, उन्हें नौकरी मिलने की प्रबल संभावना भी बन रही है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें कि जिन प्रेमी जोड़ों के जीवनकाल में समस्याएं चल रही थी, शादी विवाह को लेकर बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, उनके भी जीवनकाल में यश में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके विपक्षी यश में आपके सलाह को मान सकते हैं। आपके जीवनकाल में दोबारा आपका प्रेम वापस आ सकता है। साथ ही जिनको स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, पिछले समय जो लोग स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, बीमारियाँ उनके जीवनकाल में चल रही थी, रोग कोष से वह जीवनकाल में अपने आप को बहुत ही बुरा अनुभव कर रहे थे, यश में उनको जीवनकाल से सारी बाधाएं खत्म होंगी।
धीरे धीरे आपके जीवन काल में जो भी परेशानी है, जो भी जोड़ों में दर्द है या फिर अपच की समस्या है, पेट में जो भी समस्या है वह खत्म होगी और धीरे धीरे आपके जीवन काल में सकारात्मक बदलाव अब आना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों यश में दिन की शुरुआत आप ओम शम समचराय नमः मंत्र का जरूर जाप करें, एक माला जो कि भगवान शनिदेव का मंत्र है। दोस्तों यह मंत्र से आपके जीवन काल में आने वाली शुरुआती जो भी बाधाएं वह खत्म होंगी और जीवन काल में सारी आपकी समस्याएं खत्म होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और शादी और इसी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।